नमस्कार जी। सत साहेब, क्या नाम है बहन जी आपका? संध्या भगतमती। आप कहाँ से आई हैं? ग्वालियर गोवर्धन कॉलोनी मध्य प्रदेश। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 30 मार्च 2018। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? मैं भोलेनाथ की, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं सब की पूजा करती थी। बहन जी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। मेरे घर के दरवाजे पे भी पिंडी है। मेरे ससुर ने मंदिर बनवा रखा, उनकी बहुत पूजा करती थी। बहुत सारे व्रत भी रखती थी मैं, लेकिन इतना व्रत व्रत रखती, पूजा करती, सब कुछ करती, लेकिन उसके बाद भी कोई लाभ नहीं होता। मेरा बेटा इतना बीमार हो गया पूजा करते करते कि मैं बहुत सारे कष्ट में आ गई। मैंने सोचा कि भगवान की पूजा करते करते हमें कोई हानि नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। और माता रानी की भी स्थापना हमने अपने घर पे ही करवा रखी, बहुत बड़ा मंदिर बनवा रखा है। 2 घंटे लगते उनकी पूजा में, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने सोचा कि ये कष्ट कैसे ख़त्म हो गया, कि गुरु जी की हम नाम दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन कोई गुरु पसंद नहीं आया। परमात्मा की दया से मुझे एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी, तो उन्होंने हमको जानकारी दी। उन्होंने बोला कि हमारे गुरु जी हैं, उनसे आप नाम दीक्षा ले लो और आपके बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। तो हमने उन पर विश्वास नहीं किया। हमने सोचा कि इतनी बीमार है हमारा बच्चा। डॉक्टर को भी दिखाया, भगत के पास भी गए, मंदिर मंदिर भटके, हर जगह भटके। तो हमने सोचा कि जब इधर उधर भटक रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन हमने कि आपके गुरुजी के पास जाके हमारा क्या होगा, हमारा बच्चा पैसा लगाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि एक बार विश्वास करो तो सही, मेरे गुरुजी से मिलो, वहाँ नाम दीक्षा ले लो, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो हमने सोचा कि कहीं हमें लाभ नहीं मिल रहा, सारे रास्ते बंद हैं, चलो हम आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके देख लेते हैं, शायद हमें परमात्मा की दया से कोई लाभ हो जाए। संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र में गई, वहाँ नाम दीक्षा ली। बहन जी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत सारे लाभ हुए। पहला लाभ तो हमें हुआ कि रात को 11 बजे पहुँचे संत रामपाल जी के महाराज के दरवाजे पहुँचे, वहाँ नाम दीक्षा ली। जो हमारे बेटे का 8 दिन से बुखार उतर नहीं रहा था, गोली लेने के बावजूद भी पट्टी रख रख के मैं परेशान थी, वहाँ जाने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद आराम पड़ा, तुरंत हाल की हाल बुखार उतरा। जो 8 दिन से भोजन नहीं किया था, पानी भी नहीं पी रहा था। फिर दूसरा लाभ, पथरी मेरे बेटे को थी, यहाँ परेशान हो गई थी मैं, भगत जी मेरे ड्यूटी छोड़कर आ गए थे, भगत जी परेशान हो गए थे कि मेरे एक ही बेटा है, उसको पैसा लगा लगा के मैं परेशान हो गई, मैं पैसा कहाँ से आता, ड्यूटी छोड़ के आ गए। तो मैंने सोचा कि यहीं इसको दिखाऊं, क्या करूं, मैं इतना परेशान थी कि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना परेशान थी कि मैं अपने बच्चे को मैं कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किसको दिखाऊँ। जो भगत होते हैं ना, जो भूत परीत से छुटकारा दिलाते हैं, उनके दर पे भी गई, उन्होंने भी छुटकारा नहीं दिला पाया। फिर मैंने सोचा कि ड्यूटी छोड़ के काम नहीं चलेगा, इसको जयपुर ले जाओ, वहीं ड्यूटी करना आप, वहीं बच्चे को दिखाना। तो फिर साथ में ले गए, जयपुर ले गए, वहीं भगत जी हमारे ड्यूटी करते, वहीं बच्चे को दिखाते, वो भी बहुत परेशान थे। फिर जयपुर भेजा, बहुत बड़ा डॉक्टर था जयपुर का, तो वहाँ रिपोर्ट करवाई, 2 दिन की दवाई भी थी दी उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि 2 दिन की दवाई ले जाओ और फिर आराम से 2 दिन के बाद आना, फिर हम इसकी चेकअप करेंगे। पूरा चेकअप करवाया इसका शरीर का, रिपोर्ट भी करवाई, 3 ml की वो भी पथरी बताई। पैसा इतना नहीं था कि मैं ऑपरेशन करा पाती, लेकिन संत रामपाल जी के महाराज से ये पथरी में भी आराम पड़ा बिना गोली दवाई के, सिर्फ आशीर्वाद से, मात्र संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है बिना गोली दवाई के। पथरी में भी आराम पड़ा, इन्फेक्शन में भी आराम पड़ा और बिल्कुल स्वस्थ है, आराम से, आज कोई परेशानी नहीं है उसे। ये मेरे बेटे की रिपोर्ट है पथरी की,
संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना गोली बिना दवाई के मेरे बेटे को आराम पड़ा, सिर्फ मात्र आशीर्वाद से। ये मेरे बेटे की रिपोर्ट है इन्फेक्शन की। ये आंतों का इन्फेक्शन था, खून मवाद दोनों आती थी। संत रामपाल जी महाराज की दया से ये इन्फेक्शन ठीक हुआ। मेरा बेटा मेरे साथ में आया है। और तीसरा लाभ हुआ कि हमें आर्थिक लाभ हुआ। जो कभी पैसे से मैं बहुत तंग थी, बहुत परेशान रहती थी, संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं पैसे के लिए मैं परेशान नहीं रहती बिल्कुल भी। मेरी एलर्जी इन्फेक्शन था तो वो 8-10 सालों से थी, जो दवाई लेती थी ठीक हो जाती फिर हो जाती, ठीक हो जाती फिर हो जाती। और मेरी बीपी हाई भी होने लगा था, बहुत भटकी मैं, बहुत परेशान हुई, मैं बहुत दवा खाई। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी एलर्जी और बीपी हाई दोनों ठीक हुई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? भगत समाज को मैं एक प्रार्थना कर सकती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके जिसको जो परेशानी है, दिक्कत है, संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने के बाद सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते 7:30 बजे, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर नंबर आता है, उस पर फ़ोन करके आप नज़दीकी नामदान केंद्र पे फ़ोन लगा के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। अच्छा साहेब।